Thank you

आपके से तो उनपे कोई कस्टम पे नहीं किया जाएगा कस्टम नहीं पे करना है पर अगर आपको नए गुड्स लेके आए हो अगर आपको नए आर्टिकल बाहर से परचेज करके लेके आए हो किसके लिए बेटा फॉर यूज ऑफ दैसेंजर और बोनाफाइड गिफ्ट और सोवेनियर तो ऐसे केस में एक लिमिट तक हम जो बेगेज रूल पढ़ने वाले वो लिमिट तक एक्शन मिलेगा पर अगर आपने कमर्शियल बिजनेस पर्पज कोई गुड्स बाहर से लेके आए तो उसके लिए एक रुपये का भी एक्समिशन नहीं है ध्यान रखिएगा उस पर कस्टम पे करना पड़ता है ओके सर सेक्शन सेवेंटी सेवन बोलता है डिक्लेरेशन ऑनर ऑफ बैगेज सर कस्टम पोर्ट पर सॉरी कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट पर जहां से पैसेंजर आ रहा है सर वो प्रॉपर ऑफिसर को इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इन क्या करेगा डिक्लेरेशन देगा नॉर्मली ग्रीन सिलन और रेड सलन होता है सर ग्रीन से निकल रहे मतलब आप यू आर मेकिंग अ सेल्फ डिक्लेरेशन कि आपके पास कोई भी गुड्स ऐसा नहीं है जिस पे कस्टम लगता है और रेड चनल पे कस्टम ऑफिसर होते हैं वो वेरीफाई कर लेंगे चेक कर लेंगे अगर कस्टम नहीं लगना होगा तो छोड़ देंगे कस्टम लगना होगा तो कस्टम पे कराएंगे और फिर टाटा बाय बाय सर रिलेवन डेट फॉर ड्यूटी इन क्या था जिस दिन हमने बैग प्रेजेंट किया है फॉर सर चेकिंग वेरिफिकेशन के लिए रिमूवल के लिए उस दिन का रेड रिलेवेंट होता है फॉर ऑफ कस्टम्स अगर बैगेज पे कस्टम लगता है तो और ध्यान रखना बैगेज पर रेट ऑफ कस्टम फिक्स है एटी बोलता है क्या अगर आपके बैगेज के अंदर कुछ गुड्स ऐसे है प्रोहिबिटेड इज प्रोहबिटेड या गुड्स आर ड्यूटेबल तो ऐसे केस में अगर इम्पोर्टर ट्रू डिक्लेरेशन देता है डू दी ऑफिसर की मेरे बैगेज में ये गुड्स है

ट्रू डिक्लेरेशन दिया था उसने तो ही सेक्शन एटी लगता है हेमल के शाह के केस में क्या था सर वो छुपके से गुड्स लेके जा रहा था और कस्टम ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया तो ऐसे केस में वो स्मगल के स्मगल गुड्स खिला रहे थे और स्मगल गुड्स के के केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है सर अच्छा बैगेज बे, पे बे, कस्टमर रेट फिक्स है 35 प्लस नहीं लगता है ऑन दी बैगेज क्लियर नो एडिशन अब आइए बैगेज रूल टू थाउंड हम सर सबसे पहली बात अगर इज अरा फ्रॉम कंट्रीज अदर देपाल बुडान म्यानमारोल नंबर थ्री क्या बोलता भाई हो सर रोल नंबर थ्री बोलता है क्या सर पहली बात तो अगर पैसेंजर इज अरा फ्रॉम पैसेंजर इज अ

Up. Sir these allowance cannot be फॉर ग्रुप ऑफ पीपल मान लो चार लोग आ रहे तो ऐसा नहीं बोल सकते हो होता है क्लियर नहीं मिलता है तो सर आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सर देना सर उसमें दो कलम बनाएगा एलिजिबल फॉर एक्जिमिशन नॉट एलिजिबल फॉर एक्जिमिशन क्लियर एलिजिबल में लिखिएगा जो गुड्स एलिजिबल उसके लिए इन एलिजिबल में लिखेगा जो गुड्स इन एलिजिबल में कवर है बेटा क्लियर अच्छा अगर आप नेपाल बेटा म्यानमार कोई भी सर कैटेगरी ऑफ पैसेंजर आ रहा हो 15,000 प्लस यूज पर्सनल इफेक्ट प्लस ट्रेवल सोनर अलाउड है क्लियर पर अगर इन्फेंट आ रहा तो यूज पर्सनल इफेक्ट बस क्लियर और अगर पैसेंजर इज अराइविंग बाय लैंड रूट तो भी ऐसे केस में केवल 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 और केवल यूज पर्सनल इफेक्ट ही अलाउड है ट्रेवल और सर अदर आर्टिकल्स विदाउट ड्यूटी अलाउड नहीं है कस्टम पे करना पड़ेगा अगेन सेम बात लिखी है क्या सर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लिमिट के नॉट भी क्लब टूगेदर क्लियर प्लस सर रोल नंबर थ्री हो या फोर मतलब नेपाल बुटन म्यानमारे भी कंट्री से आ रहे अगर आपकी एज एटीन ईयर एंड अब है तो ऐसे केस में वन लैपटॉप लैपटॉप कंप्यूटर सर नोटबुक कंप्यूटर को बोलते हैं बेटा वो अलोंग विद द बैगेज एडिशनली अलाउड है विदाउट एनी कस्टम्स विदाउट एनी मॉडर लिमिट क्लियर क्या क्या कवर है ना सर एक्सीडिंग वन ट्वेंटी फाइव ग्राम सर लिकर और वाइन एक्सेस ऑफ टू लीटर्स देन गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स देन

सिगरेट्स टोबेको सर इन पे जो टैक्स लगता है ना बच्चों वो नॉर्मल सर रेट नहीं है इनके लिए रेट ऑफ कस्टम का कितना 100 परसेंट प्लस सोशल वेलफेयर सर चार्ज क्लियर तो इन गुड्स पर ध्यान देना बेटा ये इन एलिजिबल है प्लस इन पे कस्टम रेट 100 परसेंट बेटा बाकी सब गुड्स पर 35 फाइव परसेंट प्लस सोशल वेलफेयर सर चार्ज लगता है बच्चों क्लियर डन अब एडिशनल एग्जाम फॉर ज्वेलरी का है अगर अगर पैसेंजर स्टेड मोर देन वन ईयर

बेटा जो पैसेंजर वन ईयर बाहर रह चुका है उसके लिए बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं बेटा देन रूल नंबर सर अगर कोई पैसेंजर अपना घर शिफ्ट कर रहा है इंडिया में या, सर प्रोफेशनल के लिए बाहर गया था वापस इंडिया में आ रहा है और वो मंथ यूज पर्सनल पर्सनल हाउस होल्ड आर्टिकल्स उड है कितना रुपी तक के अलाउड है उसको एंड सर यही अगर मोर देन मंथ पर अप टू ईयर तो वन लेख तक के पर्सनल एंड हाउस आर्टिकल्स उसको एडिशनल अलाउड है और अगर सर अगर मिनिमम स्टे ऑफ वन ईयर बाहर रहा है वो इन द लास्ट टू ईयर लास्ट दो साल में एटलीस्ट एक साल वो बाहर रहा है तो ऐसे केस में दो लाख तक का ये बेनिफिट मिलेगा पर उसने पिछले तीन सालों में ये बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए क्लियर एंड सर अगर एटलीस्ट दो साल बाहर रहा है पैसेंजर उसके बाद इंडिया में आ रहा है तो ऐसे केस में यही एग्जीबिशन पांच लाख रुपए तक का है पर पर इसमें कंडीशन क्या है सर एटलीस्ट दो साल बाहर होना चाहिए बेटा पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टू मंथ कैन भी कंड एसीडीसी अगर रीजनबल रीजन था इफ आली रिटर्न इज ड्यू टू वैकेशन और टर्मिनल लीव अप्रोड या एनी अदर रीजनल रीजन सेकंड थिंग सर ये पिछले दो साल में वो शॉर्ट विजिट पे इंडिया है कभी दीपावली आई कभी होली आई कभी वो आई उसे मिलने आया बेटा क्लियर टोटल पीरियड ऑफ शॉर्ट स्टे इंडिया ड्यूरिंग लास्ट दिस टू इन शुड नॉट एक्सेड सिक्स मंथ पर कमिश्नर रीजनल केस में बेटा और उसने पिछले तीन साल में यह बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए तो ही पर्सल और हाउस आर्टिकल्स के लिए एडिशनली उसको ये बेनिफिट और मिलेंगे क्लियर डन अच्छा ये जो गुड्स है इसमें वन और टू की नहीं। पर गुड्स आपको नॉर्मली आज तक एग्जाम आया नहीं है वो एक, एक, एक गुड्स वाइज आपको याद करने की जरूरत नॉर्मली नहीं होती है आइए सर रूल नंबर सेवन बोलता है करेंसी क्या रेफर करें फेमा यहां पे अलग से कोई रूल नहीं दे रखा है अनकम्प्लीट बैगेज सर बेग बाद में आप पहले आए तो कितने पहले आ गए भाई तो उसके लिए बोला है क्या सर अगर पैसेंजर बाहर पैसेंजर पहले आ गया है तो हिज गुड्स मस्ट बी डिस्पेस्ड विद इन अ पीरियड ऑफ वन मंथ ऑफ हिज अराइवल फॉर प्लस फर्दर पीरियड अलाउड बाय एसीडीसी और अगर बैग पहले आ गया है तो पैसेंजर मस्ट अराइव विद इन टू मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर

क्रू मेंबर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है तो जो उसका लास्ट ट्रिप होगा जीवन का नहीं उसकी जिंदगी का नहीं बेटा सर उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है लास्ट ट्रिप जगह जब होगा तो उसका बेनिफिट वो ले सकते हैं बैगेज का पर पर हर ट्रिप पे सर उसको कुछ आर्टिकल्स लाइक चॉकलेट्स चीज लिपस्टिक सर और एनी अदर पेटी गिफ्ट आइटम्स फॉर दियर पर्सन और फैमिली मेंंड्रेड उसको अलाउ किया क्रू मेंबर को बेटा क्लियर तो वो ड्यूटी फ्री अलाउंस इतना ही अलाउ किया इन पैसेंजर इन क्रू मेंबर्स को बच्चों आइए बच्चों सर अब बात करते हैं क्या अगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है बाय पोस्ट या कुरियर तो इसके लिए सेक्शन नंबर 82 से 84 दे रखा है बोलता है क्या अगर कोई भी गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आता है बाय पोस्ट या बाय ऑथोराइज कुरियर तो ऐसे केस में उनको बोलते हैं मेल बैग्स मेल बैग जब आता है तो के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली अनलोड होता है होने के बाद ऑथराइज ऑफिसर ऑफ कुरियर या ऑथराइज ऑफिसर ऑफ पोस्ट को वो गुड्स हंड ओवर कर दिए जाते हैं वो ऑथराइज ऑफिसर क्या करेगा उन गुड्स की बेस पर एक लिस्ट बनाएगा कि उन गुड्स गुड्डे हर पार्सल डिक्लेन लिखा होगा गुड्स की वैल्यू क्या है गुड्स की आइडेंटिटी क्या है सब कुछ लिखेगा उन डिक्लेन के बेस पर वो एक लिस्ट बनाएगा वो लिस्ट बना के प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट करेगा क्लियर पोस्टल अथॉरिटी क्लियर जिस दिन वो लिस्ट सबमिट करिए ट इज डेट फॉर एट डब्ल्यू टी एंड टेरिफ वैल्यू इनकेस अगर कस्टम लगना है उनपे तो अच्छा अब उन गुड्स पर अगर कस्टम लगना है तो उस कंसैनी को इंटीमेट किया जाएगा और कस्टम पे होगा तभी गुड्स डिलीवर करी जाएगी और अगर कस्टम नहीं लगना है तो ऐसे के इसमें गुड्स विल भी डिलीवर टू दी एड्रेस दी कंसैनी क्लियर डन अब सर ध्यान देना बेटा अगर लिस्ट सबमिट करिए तो देट इज दिलेवन डेट फॉर एट्बल्यूटी एंड टेरिफ वैल्यू और अगर सर वेसल या एयरक्राफ्ट सर बाद में आता है

ड्स आर डिलीवर्ड बाई दंसाइनर टू दी पोस्टल अथोरिटी और दी ऑथराइज कुरियर दट डेट इज दिल रेट ऑफ ड्यूटी इन टेरिफ वैल्यू इनकेस अगर एक्सपोर्ट बाई पोस्ट हो रहा है तो ओके okay, डन जब पार्सल आपने दिया है पोस्टल पौ, अथॉरिटी को या याथोराइज ऑफिसर ऑफ कुरियर को बेटा आइए सर स्टोर्स सेक्शन एटी फाइव बोलता है क्या स्टोर होते क्या बेटा स्टोर्स मीन पार्ट कंपोनेंट्स एक्सेसरीज फ्यूल एंड अदर कंज्यूमेबल्स जो ऑन बोर्ड ही कंज्यूम हो जाएंगे बेटा ना तो वो एक्चुअली बाहर जा रहे हैं ना एक्चुअली अंदर आ रहे हैं क्लियर तो स्टोर्स मीन आप शिफ्ट कर सकते हो एंड सर इफ एन ऑफ द गुड आर सप्लाइड फ्रॉम इंडिया एज ए स्टोर्स टू ए फॉर गोइंग एयरक्राफ्ट इसको एक तरह से एक्सपोर्ट माना जाता है for the of drawback, और वहां पर हंड्रेड परसेंट ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है नॉर्मली क्या होता है? विदाउट यूज अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो 98 एट परसेंट रॉबिक मिलता है यहाँ पे 100 परसेंट रॉबिक मिलता है जहां भी सेक्शन नंबर 74 लगता है क्लियर सेम पॉइंट अगर आपने इंडियन नेवी शिप को आपने कोई भी गुड सप्लाई किया एज अ स्टोर्स तो उसको भी एक्सपोर्ट सर अगर आपने उनको सप्लाई किया तो उस पर कस्टम नहीं लगता है सेकंड थिंग अगर इंपोर्ट करके कस्टम पे किया तो उसका 100 परसेंट ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा सर देन द स्टोर्स ब्रॉड इन इंडिया कैन बी कंज्यूम्ड इन इंडियन टेरेटरी विदाउट एनी ड्यूटी बेटा ऑब्वियसली जो वैसल पे स्टोर्स होंगे वो इंडियन टेरेटरी में जब वैसल या एयरक्राफ्ट चलेगा तभी तो कंज्यूम होंगे तो भी उस पर कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है एंड लास्ट अगर कोई गुड्स आपने इंडिया में प्रोड्यूस करी थी मैन्यूफेक्चर करी थी और आपने किसी गोइंग वैसल या एयरक्राफ्ट को सप्लाई किया है तो दोज कैन भी एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी उस पर कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है इसी के साथ भारत माता की जाए ये पोस्टल बैगेज और स्टोर्स वाला चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई आ रहा है आई होप आपके पे फटाफट फटाफट रिवजन हो रहा है एंसर अगर माहौल बन रहा है तो एंड ऑफ दिस लेक्चर माहौल जो होता शानदार मस्त होकर पढ़िए खुश होकर वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑल द बेस्ट लव लॉट